जो व्यक्ति भगवान की पूजा पाठ करता है, भगवान की निंदा नहीं करता, वो लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? और जो लोग भगवान की निंदा करते हैं, वो लोग सुखी क्यों रहते हैं? नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों दोस्तों आज की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया था कि हे प्रभु, आपके अधिकतर भक्त निर्धन और दुखी क्यों रहते हैं? इसका कारण क्या है? भगवान कहने लगे थे, हे ऋषि नारद, मेरी कृपा को समझना बहुत कठिन है। इसके लिए मैं तुम्हें पृथ्वी लोक पर लिए चलता हूँ। तब भगवान नारद मुनि को साथ लेकर संतों का भेष बनाकर धरती लोक पर आए और एक धनवान सेठ के घर जाकर दरवाजा खटखटाने लगे। उधर घर के अंदर से जब सेठ निकला तो भगवान ने उसे भिक्षा का आग्रह किया और कहा, हे सेठ, हमें बड़े जोर की भूख लगी है, क्या हमें थोड़ा भोजन मिल सकता है? सेठ जी ने अपने द्वार पर भोजन का आग्रह करते हुए दो हट्टे कट्टे साधुओं को देखा था। वो सेठ एकदम से बिगड़ते हुए बोला, अरे तुम दोनों तो देखने में एकदम स्वस्थ हो और इतना बड़े हट्टा कट्टा हो, तुम्हें भोजन मांगते लज्जा नहीं आती? खुद कमाकर क्यों नहीं खाते? दूसरे की कमाई पर तुम्हारा क्या जोर है? जाओ यहाँ से और कहीं और मांगना। जब मैंने तुम्हारे लिए नहीं कमाया है और बंधुओं, सेठ की ऐसी दुष्टता देखकर नारद जी को बड़ा क्रोध आया था। कहने लगे, हे प्रभु, यह धनवान इतना सारा धन पाकर भी हमें भोजन नहीं करा सकता, ऐसे धन क्या काम का है? श्राप देकर इसे अभी कंगाल बना दो। नारद जी की बात सुनकर भगवान ने उसे और अधिक धन संपत्ति बढ़ाने वाला वरदान दे दिया। नारद यह देखकर अचंभे में पड़ गए। अब भगवान नारद जी को लेकर एक निर्धन बुढ़िया माई के घर गए, जिसकी एक छोटी सी झोंपड़ी थी, जिसमें गाय के अलावा और कुछ नहीं था। जैसे भगवान ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई, बूढ़ी माँ बड़ी खुशी के साथ बाहर आई, दोनों संतों को आसन देकर बिठाया और उन्हें पीने के लिए गाय का दूध लेकर आई और कहने लगी, प्रभु, मेरे पास और कुछ नहीं है, इसे ही स्वीकार कीजिए कि भगवान ने बड़े प्रेम से दूध पिया जाए। तब नारद जी ने भगवान से कहा, प्रभु, आपके भक्तों की इस संसार में देखो कैसी दुर्दशा है। हे प्रभु, मुझसे तो यह दशा देखी नहीं जाती। तब यह बेचारी वृद्ध बुढ़िया आपका भजन करती है और अतिथि सत्कार भी करती है कि आप इसको अच्छा सा आशीर्वाद दीजिए, जिससे इसके सारे दुख कट जाएं। इतने कहते ही भगवान ने उस बुढ़िया की गाय को मारने का आशीर्वाद दे दिया। यह देखकर नारद मुनि से रुका नहीं गया और गुस्से से भगवान से बोले, भगवान, यह आपने क्या किया था? आपने उस कंजूस सेठ को और अधिक धनवान बना दिया, जिसने आपको पूछा तक नहीं और जिसने आपको अतिथि सत्कार किया। आपको आपने गाय के मरने का आशीर्वाद दे दिया, यह कैसा न्याय है प्रभु? भगवान बोले, देवर्षि, यह बुढ़िया मेरा दिन रात भजन करती है, कुछ दिनों में इसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि इसकी गाय मारने का श्राप नहीं देता तो उस बुढ़िया की मृत्यु के समय इसको इस बात की चिंता लगी रहती कि मेरे मरने के बाद मेरी गाय को कोई कसाई ले जाकर ना काट दे। मेरे मरने के बाद इसको कौन देखेगा? तब उस समय इसको मेरा स्मरण ना होकर बस गाय की ही चिंता लगी रहती थी और इसी के फलस्वरूप यह मेरे धाम ना जाकर किसी अन्य योनि में चली जाती। अब बताओ देवर्षि, मैंने अच्छा किया या बुरा? नारद जी बोले, प्रभु, आपने बहुत अच्छा किया था, परंतु सेठ को और अधिक धन माया देकर तो आपने बहुत ही बुरा किया। भगवान बोले, नहीं, मैंने सेठ को अधिक धन संपदा देकर उसको उसकी करनी का दंड दिया है।
जब वह मरेगा तो मरते समय उसको अपने धन और तिजोरी की ही चिंता रहेगी, इसीलिए इसे अगला जन्म सर्प का मिलेगा और अपनी तिजोरी के नीचे आकर कुंडली पर बैठेगा। हे देवर्षि, देवर्षि ने इस पृथ्वी लोक पर यही एक नियम खास है, जिस व्यक्ति का जिस चीज में अधिक लगाव रहेगा उसका जन्म उसी के आधार पर मिलेगा। कि जैसे मनुष्य को जो चीज अवधि में अधिक सोचता है उसी को वह अपने फल स्वरूप में देख भी लेता है, उसी तरह जीत की शक्तियां उसे अधोगति में गिरा देती हैं। भगवान अपने भक्तों पर दोष किस लिए डालते हैं कि आग में सोने की तरह तब कर हमेशा अपने पर बनी रहे नहीं होती। यदि उन्हें धन का सुख दे दिया जाए तो उनका तप नष्ट हो जाएगा। धन पाकर मनुष्य संसार में लिप्त हो जाता है और निर्धन होने पर भक्ति मिलती है। धन बढ़ाने से असंतोष बढ़ता है। भगवान हमेशा अपने भक्तों को इसीलिए निर्धन और दुखी करते हैं, जिससे वे समझते रहें कि यहाँ सुख किसी को नहीं और वह ईश्वर को याद करते हैं। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धनवान भी होते हैं और भगवान के भक्त भी। उनकी खास बात यह होती है कि हनुमान तो होते हैं, धनवान तो होते हैं और उस धन में लिप्त नहीं होते। वो आगे चलकर भगवान का भजन भी करते हैं और धन उनके पीछे पीछे भी चलता है। उनके मन में धन के लिए ममता नहीं होती। यह गुण बहुत ही कम लोगों में होता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि भगवान के भक्त दुखी क्यों रहते हैं और भगवान की निंदा करने वाले सुखी क्यों रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, क्योंकि यदि भगवान किसी को अमीर बना देंगे तो वो भगवान की भक्ति नहीं करेगा, बल्कि उस माया में फंस जाएगा और भगवान को भूल जाएगा। और अपने भक्तों को निर्धन इसीलिए बनाते हैं क्योंकि वो भगवान की भक्ति करेंगे और भगवान उन्हें अपने चरण में लेकर दूसरा जन्म उनका सुधार देंगे। दोस्तों, आपको सहायता की जरूरत पड़े तो इन लोगों से सहायता कभी ना मांगे। नंबर एक, कंजूस गाली बकने वाला। यदि आप इनसे धन मांगोगे तो ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक होगा। नंबर दो, मूर्ख और जंगल में रहने वाले व्यक्ति से भी कभी ना मांगे। और दोस्तों, ठग और नीच से भी आप अपने लिए धन कभी ना मांगे और निर्दयी से भी आप धन कभी ना मांगे। और दोस्तों, बैर बांधने वालों से भी आप कभी सहायता ना मांगे। इसीलिए दोस्तों, आपको इन लोगों से आपको कभी धन नहीं मांगना है। यदि आप इनसे सहायता मांगोगे तो ये आपके लिए हानिकारक ही होगा, बल्कि लाभदायक नहीं होगा। दोस्तों, और आप समझ गए होंगे कि भगवान अपने भक्त को दुखी क्यों रखते हैं, अपने भक्त को अमीर क्यों नहीं बनाते। और जब भी भगवान देते हैं तो इकट्ठा दे देते हैं। आप समझ गए होंगे कि अपने भक्त को निर्धन क्यों रखते हैं और जो उनकी निंदा करता है उनको अमीर क्यों बनाते हैं। और इन लोगों से हमें कभी सहायता भी नहीं मांगनी चाहिए, जो मैंने ये लोग बताए। यदि आप इनसे सहायता मांगोगे तो ये बहुत गलत होगा। इसीलिए दोस्तों, आप इन लोगों से सहायता ना मांगें। दोस्तों, अब फिर मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।